So as promised guys, last video में body warmers की मैंने आपसे कहा था कि भाई sweaters के ऊपर आने वाली है एक काफी धमाकेदार video. तो भाई पेश है आपके सामने sweaters की ये शानदार video. And guys, if in case अगर आप चैनल पे दोस्तों नए आए हैं, आपको बता दूं guys कि हम already winter series के ऊपर बहुत videos बना चुके हैं. अब आपकी रिक्वायरमेंट हो भाई हुडी की, स्वेटशर्ट की, जैकेट की, ब्लैंकेट की, कंफर्टर की, हीटर्स की, गीजर्स की, गाइस ये सब चीजें हम ऑलरेडी अपने चैनल से अपलोड कर चुके हैं. दोस्तों अगर आपको निकालनी है सर्दियां अच्छे से, आप उसको टाइप कीजिए, खोजिए और सारी वीडियोस दोस्तों बैठ के देखिए, बिकॉज आई एम श्योर गाइस सारे प्रोडक्ट्स एक नंबर होने वाले हैं आपके लिए. विंटर दोस्तों आपकी बहुत अच्छे से निकालेंगे. एंड इफ इन केस गाइस अभी के लिए रिक्वायरमेंट है अच्छे स्वेटर की, तो दोस्तों बनने इस वीडियो में, बिकॉज आई एम श्योर कि दोस्तों आज आप इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू लेके जाएंगे. इनफैक्ट गाइस एक बढ़िया स्वेटर भी लेके जाएंगे. तो चलिए फिर बिना किसी तरीके लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए क्विकली जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं एक स्वेटर लेने से पहले. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ स्वेटर. एंड गाइस ये चीज जनरली बहुत मैटर करती है. गाइस हम लोग स्वेटर लेते हैं इस इंटेंशन से कि भाई स्वेटर के अंदर 100 चीजें पहननी है तो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं तो वो सही रहेगा गाइस, लेकिन ऐसा नहीं होता है. आई रियली वॉन्ट कि आप अपने लिए बिल्कुल एक परफेक्ट फिट टाइप का स्वेटर दोस्तों बाय कीजिए, ताकि दोस्तों वो काफ़ी आसानी से आप वो एक स्मार्ट सेक्सी एंड दोस्तों थोड़ी प्रोफेशनल लुक को अचीव कर सके. गाइस अगर आप स्वेटर ले रहे हो थोड़ा सा बैगी तो बिल्ली में थोड़ी सी वो अंकल वाइब्स दे सकता है. तो गाइस इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखिए. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट, डिज़ाइन ऑफ द स्वेटर. गाइस एक चीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप किसी भी टाइप का दोस्तों डिज़ाइन का आप स्वेटर ले रहे हैं, प्रेफर कीजिए दोस्तों कि वो टोटली प्लेन हो, ताकि दोस्तों काफ़ी आसानी से आप उसको अपने कैजुअल डेट्स पे या फिर दोस्तों प्रोफेशनली या फिर दोस्तों आप कहीं पार्टी वगैरह जा रहे हो तो हर जगह उसको अच्छे से कैरी कर सके. अदरवाइज गाइस थोड़ा सा दोस्तों एक काफ़ी रेट्रो लुक टाइप के स्वेटर्स आते हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन गाइस जस्ट मेक श्योर उस पर कोई एसच कार्टून डिजाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. गाइस आज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा नहीं बल्कि कुछ दिखा के समझाऊंगा. तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इमेजेस जो कि दोस्तों नॉर्मल बायस डाल रखी है भाई अमेज़न प्रोडक्ट्स के जस्ट नीचे. एंड सो रिव्यू में टाइप किया है कि भाई मेरा जो स्वेटर है 2 वॉश के बाद खत्म हो चुका है. अब दोस्तों आप बताइए कि इस केस में गलती किसकी है, स्वेटर बनाने वाले की या फिर स्वेटर को यूज करने वाले की. गाइज ये चीज 100 बार बोल बोल के मैं खुद थक गया हूँ कि दोस्तों स्वेटर को धोने से पहले उसके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस याद से पढ़िए. अब स्वेटर पे लिखा है हैंड वॉश, आप उसको डाल रहे हैं मशीन में तो दोस्तों ये हाल तो होगा ही ना. तो गाइस किसी भी चीज़ को धोने से पहले उसके वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर याद से पढ़िए दोस्तों, ताकि आप जो प्रोडक्ट है दोस्तों उसकी अच्छे से ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन कर सके. तो भाई ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल याद रखिए कोई भी एक स्वेटर लेने से पहले. प्रो टिप गाइस बने हुए हैं अगर इस वीडियो में अभी तक, तो भाई मेरा फर्स्ट बनता है आपको छोटी सी टिप देना. तो गाइस मेरा मानना ये है कि दोस्तों जब जब भी स्वेटर ले रहे हैं तो उसको हैंग करके बिल्कुल ना रखें, नहीं तो जब स्वेटर को हैंग करते हैं तो उसके शोल्डर्स के दोस्तों गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो गाइस अगर स्वेटर आप तय करके रख देंगे अपनी अलमीरा के अंदर नॉर्मल दोस्तों अपनी शेल्स में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ऑल्सो गाइस स्वेटर में बहुत जल्दी बुर आते हैं जिसको दोस्तों हम कहते हैं लिंट. दोस्तों याद रखिए कि लिंट रिमूवर के ऊपर भी हम बना चुके हैं एक वीडियो जो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपली ऊपर आई बटन पे क्लिक करके. अदरवाइज गाइस अगर लिंट रिमूव खरीदने के पैसे नहीं है या अगर आपको खरीदना ही नहीं है दोस्तों आप नॉर्मल शेविंग ब्लेड से अपने पूरे स्वेटर के दोस्तों लिंट्स को हटा सकते हैं. तो गाइस इस प्रो टिप को आप याद रखिए. तो चलिए गाइस क्विकली बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 सेक्शन की तरफ. तो गाइस देखिए अगर आप स्वेटर पे इतना स्पेंड नहीं करना चाहते लेकिन स्टिल यू वांट अ वेरी गुड लुकिंग स्वेटर, आई थिंक दिस वन इज अ रियली गुड ऑप्शन. सो अप नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी एलन जोन स्वेटर. एंड गाइस ये जो पूरा स्वेटर है ये ब्लेंडेड वूल मटेरियल का आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट दोस्तों ये एक रेगुलर फिट टाइप का स्वेटर है और याद रखिए दोस्तों कि आपको बाहर ही देखने को मिल जाएगा एक सॉलिड पुलओवर पैटर्न डिजाइन. एंड दोस्तों इस स्वेटर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाती है एलन जोन्स की ब्रांडिंग. गाइस ये एक लॉन्ग स्लीव्स वाला राउंड नेक स्वेटर दोस्तों और आप इसको मशीन के अंदर वॉश कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप मेरी माने आई वुड वॉन्ट कि आप इसको सिर्फ हैंड वॉश ही कीजिए. गाइस इस पूरे स्वेटर का जो साइज है आपको मिल जाएगा स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक और इसका प्राइस भी वैरी करता है 650 रुपीज से लेकर 700 रुपीज के आसपास. तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं. दोस्तों याद रखिए सभी स्वेटर्स के बेस्ट बाइक लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर. सो इफ इन केस गाइस यू आर लुकिंग फॉर अ वी नेक डिजाइन स्वेटर अराउंड दिस बजट, आई थिंक दिस वन इज अ रियली गुड ऑप्शन. सो अप नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी आर्थर हार्वे स्वेटर. एंड गाइस ये एक सुपर सॉफ्ट 100% आर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ स्वेटर दोस्तों, और इस चीज को याद रखिए कि ये एक रेगुलर फिट टाइप का कैजुअल स्वेटर है दोस्तों. उसके बाहर आपको मिल जाएगा भाई सेल्फ नेट पैटर्न डिजाइन जो कि दोस्तों जेन्युइनली कैरी करने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, लेकिन इसको कैरी करना आपको आना चाहिए.
मतलब दोस्तों आप थोड़े से अंकल लग सकते हैं, बस कैरी अच्छे से करेंगे तो आप जेन्युइनली बहुत स्मार्ट लगेंगे। दोस्तों स्वेटर के बाहर कोई ऐसे आपको ब्रांडिंग नहीं मिलती है, बट हाँ ये एक लॉन्ग स्लीव्स वाला दोस्तों प्रॉपर वी नेक डिजाइन का स्वेटर है। गाइस इस चीज को याद रखिए कि ये सुटेबल है आपके लाइट वेट विंटर्स के लिए दोस्तों, और आप इसको मशीन के अंदर भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आप मेरी माने, आई वुड अगेन वॉन्ट कि आप इसको हैंड वॉश ही कीजिए। गाइस का साइज मिल जाएगा आपको स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सेल तक, उसका प्राइस भी वैरी करता है 730 रुपीज से लेके 890 रुपीज तक, तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। देखिए गाइस अगर आपको माई लिस्ट में आज कोई भी स्वेटर पसंद आता है दोस्तों, आप उसको सिंपली बाय कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर आपको सभी स्वेटर्स के बेस्ट बाइंग लिंक मिल जाएंगे। गाइस आप लिंक्स पे क्लिक करके उन स्वेटर्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको एक पैसा भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। देखिए गाइस आपके लिए किसी भी टाइप के स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही चलता है। With that being said, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। Guys, अब जो आपको स्वेटर दिखाऊंगा, I think it will be an amazing choice for your parents or your grandparents out there. And if in case, guys, अगर आपको भी पसंद है ऐसा कुछ स्वेटर पहनना जो कि काफी old school vibe दे, तो I think this one should be a good option for you. Up next on your screen, you can see RB sweater. And guys, पूरा स्वेटर है इसका आपको मिल जाता है भाई blended wool का material. दोस्तों ये एक regular fit type का काफी casual sweater है. And guys, बाहर इस sweater के आपको मिल जाता है भाई argyle pattern. And दोस्तों पूरा sweater है काफी old school vibe देता है दोस्तों, आपको retro vibe इस sweater से जरूर मिलने वाली है, इस चीज को याद रखिए। दोस्तों ये एक फुल स्लीव वी नेक डिजाइन का स्वेटर है, और याद रखिए कि आप इस पूरे स्वेटर को सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश ही कर सकते हैं। कई साइज मिल जाएगा आपको मीडियम से लेकर ट्रिपल एक्सेल तक, और प्राइस मिल जाएगा 1000 रुपीस से लेके 1300 रुपीस तक, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस अगर रेट्रो नहीं आपको पसंद है आजकल का फैशन ट्रेंड फॉलो करना, तो आई थिंक दिस वन शुड बी एन अमेजिंग ऑप्शन फॉर यू। अप नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी डेनिम हॉलिक स्वेटर। गाइस स्वेटर का जो मटेरियल है आपको वूल एंड सुपर नेचुरल कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल मिल जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट एंड अमेजिंग फॉर विंटर्स एज वेल। गाइस ये एक स्लिम फिट टाइप का कैजुअल स्वेटर है दोस्तों, और इस चीज को याद रखिए दोस्तों कि आपको स्वेटर के बाहर मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन पैटर्न नेट डिजाइन विच लुक्स अमेजिंग एज वेल। गाइस ये एक लॉन्ग स्लीव टर्टल नेक डिजाइन वाला स्वेटर है। एंड गाइस अगर स्वेटर के साथ आप कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज कैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल रिंग्स एंड चेन्स, इट विल लुक अमेजिंग ऑन यू, आई कैन अश्योर यू दिस। गाइस याद रखिए कि आप इस स्वेटर को सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश कर सकते हैं। साइज उस आपको मिल जाएगा स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक, और उसका प्राइस वैरी करता है 900 रुपीस से लेके 950 रुपीस तक, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो कमिंग एट फर्स्ट पोजीशन, एंड यस ऑब्वियसली माय पर्सनल रिकमेंडेशन, इट इज गोइंग टू बी मोंटे कार्लो स्वेटर। गाइस इस स्वेटर का आपको जो मटेरियल है वो मिल जाता है प्योर वूल का। ठंड से दोस्तों ये स्वेटर बहुत ही अच्छे से बचाने वाला है, इस चीज को याद रखिए दोस्तों। जो फैब्रिक है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का भी है दोस्तों। ये एक रेगुलर फिट टाइप का स्वेटर तो है ही दोस्तों, लेकिन आप इस स्वेटर को बहुत अच्छे से कैजुअली एंड प्रोफेशनली कैरी कर सकते हैं दोस्तों। बाहर आपको मिल जाता है प्लेन सॉलिड पुल ओवर डिजाइन, एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर में स्वेटर की आपको मिल जाती है छोटी सी मोंटे कार्लो की ब्रांडिंग। एंड गाइस ये एक फुल स्लीव टाइप का वी नेक डिजाइन का स्वेटर है दोस्तों। इस स्वेटर को याद रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश कर सकते हैं, मशीन वॉश आप नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत लोग रिव्यूज डाल रहे हैं कि उनको रिफंड चाहिए, पैसे चाहिए, एक वॉश के बाद गायब हो गया। सो केयर इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। ट्राई कीजिए, जितने भी स्वेटर्स हैं सबको आप हैंड वॉश ही कीजिए, और दोस्तों साइज आपको मिल जाएगा स्वेटर का स्पेसिफिकली स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक। गाइस प्राइस भी वैरी करता है 1500 रुपीज से लेके 2000 रुपीज तक, तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे कुछ टॉप 5 स्वेटर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही विंटर सीरीज के ऊपर नए वीडियोस लेके आऊं, तो आप मुझे ये चीज आके कॉमेंट दोस्तों जरूर बताइए, बिकॉज मैं कॉमेंट्स रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। कोई डाउट है कहीं दोस्तों, तो आप मुझसे ये भी चीज आके कॉमेंट्स से पूछ सकते हैं। चलिए फिर मैं शायद मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।